हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि इनमें लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा। तो आंसर होगा दुकुल। लहर का पर्यायवाची शब्द है विची, तरंग, हिलोर, जबकि दुकुल का पर्यायवाची शब्द वस्त्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से देवता का पर्यायवाची शब्द होगा विबुध। दिए गए विकल्पों में देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध है। देवता के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सुर, अमर, देव, आदित्य, गिवान आदि। नेक्स्ट, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द होगा आराम। बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम है। निर्जन, व्यंजन या कल्पसाल का बगीचा से कोई आशय नहीं है। अगला, इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वाजी। तुरंग का पर्यायवाची शब्द है वाजी। इनमें अन्य पर्यायवाची वाले शब्द हैं खोटक, घोड़ा, सैंधव, है, रविपुत, अरवा, तुरंग, वाहा। अगला है विडौजा पर्यायवाची शब्द है। तो विडौजा किस चीज का पर्यायवाची शब्द होगा? तो विडौजा ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। विडौजा पर्यायवाची शब्द इंद्र का है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सुरपति, सचिपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, देवराय, अमरपति, वज्रधर आदि। अगला, मार शब्द पर्यायवाची होगा। मार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मार का पर्यायवाची शब्द होगा अनंग। मार शब्द का पर्यायवाची शब्द अनंग है। अनंग का आशय कामदेव से है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मन, मदन, रतिपति, कुसुमेश, मनसिज, मकरध्वज, कंदर्प, मीन केतु आदि। अगला, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रसा का पर्यायवाची शब्द होगा तमिस्त्रा। रसा का पर्यायवाची शब्द तमिस्त्रा है। अन्य विकल्प रत्नगर्भा, अचला, अधरती, पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा केसरी। व्याख्या देखते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द केसरी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द व्याघ्र, मगारी, मृगराज, पुंडरीक, व्याघ्र आदि हैं। जबकि भुजंग सर्प का पर्यायवाची शब्द है और तुरंग ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। अगला, षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द होगा भ्रमर। षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गौरा, अली, दुरेव, मधुप आदि। अगला है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो है जलोदरी, जो कि मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मछली का पर्यायवाची शब्द मीन, मृत और सफरी है। जबकि जलोदरी दिया गया है विकल्प, मछली से संबंध नहीं रखता। अगला देखते हैं, ईसिप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो ईसिप्त शब्द का विलोम शब्द होगा अनिसिप्त। इसपित शब्द का विलोम अनिसिप्त है, जबकि अभिसिप्त, अधिसिप्त एवं कुसिप्त शब्द इनमें से पृथक हैं। अगला, स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्वजाति का विलोम शब्द होगा विजाति। स्वजाति का विलोम शब्द विजाति होता है। कुजाति, सुजाति एवं अजाति इससे अलग शब्द हैं। अगला देखते हैं, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उन्मूलन का विलोम शब्द होगा रोपण। याद कर लीजिए कि उन्मूलन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा रोपण। तो देखिए, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है। निमीलन, समूलन, अमूलन का इनमें से कोई संबंध नहीं है।
अगला अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमित शब्द का विलोम शब्द होगा परिमित। अमित का विलोम परिमित होता है और कुमित, द्रुमित एवं सुमित इस शब्द से कोई आशय नहीं है। अगला है श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होगा इतिश्री। श्री गणेश का शब्द विलोम इतिश्री है और अथ का आशय समारंभ होता है। अगला है धनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो धनी का विलोम शब्द होगा निर्धन। धनी का विलोम शब्द निर्धन होता है। अधनी, अधीन एवं धनहीन इसका सटीक विलोम शब्द नहीं है। अगला है उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मीलन का विलोम शब्द होगा निमीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन होता है। अवलिमीलन और सुमेलन और अनुमीलन का इसका विलोम आशय नहीं है। अगला है अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधिकृत शब्द का विलोम शब्द होगा अनधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है जबकि प्राधिकृत, अनाधिकृत और अनाधिकारिक का अधिकृत से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है अनुलोम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो अनुलोम शब्द का विलोम शब्द होगा प्रतिलोम। अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होता है और सुलोम, अनुलोम और अवलोम का आशय अनुलोम से नहीं मिलता है। अगला है परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो परिश्रम का विलोम शब्द होगा विश्राम। परिश्रम का विपरीतार्थक शब्द विश्राम हुआ जबकि दिए गए अन्य विकल्पों में प्रयुक्त शब्द आशय, आश्रम, विश्राम और विश्रांत का अनुलोम से कोई आशय नहीं है, ये बोल रहा है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इनमें से शुद्ध वाक्य होगा ए, यह रुमाल अच्छी है। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इनमें से शुद्ध वाक्य होगा हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा टी। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा आपका सी। व्याख्या बोला है वाक्र धनमय, तो इसका अर्थ होगा वाट में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बोला है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य होगा वो होगा आपका डी। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, ये बोला है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में विकल्प ए में गुप्त रहस्य शब्द का प्रयोग एक ही भाव स्पष्ट करता है जो पुनरावृत्ति का घोतक है तथा रहस्य पर्यायवाची आशय रखता है। इसी प्रकार श्याम सज्जन आदमी है, यहाँ पर श्याम सज्जन और भाव की पूर्ति हो जा रही है। विकल्प सी में अधिकांश भाग में अधिक प्लस अंश पुनः आगे प्रयुक्त भाग अंश शब्द का पुनरावृत्ति है, अतः यह वाक्य भी दोषपूर्ण है। अगला वाक्य इनमें से एक भी शुद्ध नहीं है, यही वाक्य शुद्ध है, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला है इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ए हो जाएगा। तो ये अंतर ध्यान से शुद्ध हो जाएगा आपका। और विकल्प षष्टम सशत अनुशासित बर्तनी की दृष्टि त्रुटिपूर्ण है, इसका शुद्ध शब्द होगा षष्ट सशत्र और अनुनासिक गिक, ये शुद्ध होंगे। ठीक है, इसमें वही बोल रहा है कि इनमें से एक की बर्तनी अशुद्ध है, तो एक की जो बर्तनी अशुद्ध है वो होगी राहुल शक्यानंद, आंसर हो जाएगा आपका टी। ठीक है, अगला इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? जागृत, इसकी वर्तनी अशुद्ध है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या होगा? तो शुद्ध वर्तनी होगी आपकी सी ज्योत्सना। दिए गए उप विकल्पों में ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी विकल्प अशुद्ध हैं। अगला देखते हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? तो शुद्ध वर्तनी होगी आपकी ए हिरण्यकश्यप। विकल्प ए हिरण्यकश्यप शुद्ध वर्तनी है, दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अगला इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा होगा? तो अशुद्ध जो वर्तनी होगी वो होगी सन्यासी। तो विकल्प डी सन्यासी अशुद्ध है जबकि सन्यासी शुद्ध वर्तनी है, तो सन्यासी इस टाइप से लिखा जाएगा। अगला देखते हैं हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा के नाम से जाना जाता है जबकि काठी का उपयोग ऊंट के लिए होता है। गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए वख्तर का प्रयोग होता है, याद कर लीजिए।
कि काठी का प्रयोग ऊंट के लिए होता है और गाड़ियों पर सुरक्षा के लिए बख्तर का प्रयोग होता है, और हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं हौदा। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? अप्रमेय होगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द अप्रमेय होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द होगा, बी हो जाएगा आंसर। तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द होगा औपनिवेशिक। अगला है, इनमें से एक के लिए प्रयोजक शब्द है, तो शब्द कौन सा है? डी आंसर होगा, रह निवास में कई बड़े पर्दे रहने वाली स्त्री, उसको बोलते हैं असुर पश्चिमा बोलते हैं। तो असुर पश्चिमा का आशय है रह निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। अगला देखते हैं, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। अगला देखते हैं, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा पतित। गिरा हुआ शब्द के लिए एक शब्द है पतित। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। आंसर हो जाएगा आपका सी। व्याख्या देखते हैं, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द स्वयं सेवक है, जबकि बिना वेतन के काम करने वाले को अवैतनिक कहा जाता है। अगला देखते हैं, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों के लिए एक शब्द है अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। नेक्स्ट देखते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा कृतार्थ। व्याख्या है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहा जाता है, जबकि जो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है उसके लिए चिर प्रसन्न शब्द उपयुक्त होगा। जो किए गए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। आपको याद रखना है, जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतज्ञ। अगला देखते हैं, नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा काली सूची। देवर का तत्सम रूप क्या होगा? तो देवर का तत्सम रूप होगा तीवर। आंसर हो जाएगा आपका ए। तो देखिए, देवर का तत्सम शब्द तीवर होगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बोल रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी मोती, क्योंकि तत्सम शब्द नहीं है। दिए गए चारों विकल्पों में मोती शब्द तत्सम नहीं है, इसका तत्सम रूप माणिक होगा। अन्य शब्द अग्नि, घोटक और घट सब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा आग, घोड़ा और घड़ा। अगला है, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा पर्यक। पलंग शब्द का तत्सम रूप है पर्यक। अगला देखते हैं, इनमें से एक शब्द तद्भव शब्द है ये बोला है, तो इनमें से जो तद्भव शब्द होगा, दिए गए विकल्पों में दिन एवं कपास, ये तद्भव शब्द है, यानी कि दिन और एक कपास ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप दिवस एवं कपास होगा, जबकि स्कंद का तद्भव कंधा, अंधकार का अंधेरा होता है। नेक्स्ट है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप होगा अछोट। अखरोट शब्द का तत्सम रूप होता है अछोट। नेक्स्ट है, अकार का शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो अकार शब्द का तद्भव रूप होगा अकाज। अकाज शब्द का तद्भव रूप होता है अकाज। नेक्स्ट देखते हैं, टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? तो टकसाल का तत्सम रूप होगा टकसाला। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से तत्सम शब्द है ये बोला है, तो पद ये तत्सम शब्द है। अगला है, गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? तो गोबर का तत्सम रूप होगा गोमय। व्याख्या देखिए, गोबर का तत्सम रूप होगा गोमय, गोविष्ट या गोविट। माँ का तत्सम रूप क्या होगा? तो माँ का तत्सम रूप होगा मात्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये बोला है, तो इनमें से जो शब्द विशेषण नहीं होगा वो होगा भव। उपयुक्त विकल्पों में भव शब्द विशेषण नहीं है, जबकि निर्भीक, भीरु और भयभीत शब्द विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आंसर हो जाएगा सुंदरता, ये विशेषण है। निर्दिष्ट विकल्पों में सुंदरता शब्द विशेषण है, जबकि कवि और विद्वान संज्ञा है और भलाई शब्द संज्ञा विशेषण है। इसका विशेषण भला होगा। अगला है, वह कृत काश व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें होगा आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। वह कृत व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष शब्द व्यक्ति है, जबकि कृत का विशेषण शब्द है। नष्ट है, जब विकारी शब्द से संख्या की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है, पांचवा ये विशेषण शब्द है। व्याख्या दिए गए विकल्पों में विकल्प ए पांचवा शब्द संख्यावाचक विशेषण है, जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, वी धीरे धीरे, इसमें क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों शब्द तो ये समुदाय बोधक है, दोनों शब्द समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनमें एक समुदाय का स्पष्टीकरण होता है। संख्यावाचक विशेषण के निम्न भेद हैं, पहला है निश्चित संख्यावाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। बा है अनिश्चित संख्यावाचक और सा है प्रत्येक बोधक। अगला, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सी आंसर हो जाएगा, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। दिए गए विकल्प में सी त्रुटिपूर्ण वाक्य, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। इसमें शब्द क्रम दोष है, सही वाक्य होगा यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। नेक्स्ट देखते हैं, गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं ये पूछा गया है, तो कुल 6 भेद होते हैं। तो व्याख्या देखते हैं, जिस संज्ञा में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें भेद निम्न है, काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण।